और ये हेयर स्टाइल फिर साड़ी के ऊपर बहुत तो मैं मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए आ गई हूँ, जो कि आज मुझे गोल्डन चांस मिला है। तो आज देख रहा है इसके फोटो खींचे, इसे जुगाड़ करके ये सुबह वाला भी प्रोवाइड करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं खाना डायरेक्ट खाने से ही मेरी शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि चिकू ने बोला है कि पोहे बनाना, तो पोहे बना रही हूँ। और एक तरफ मटर की सब्ज़ी बनेगी और रोटी और चावल, तो पूछेंगे अगर मम्मी को, मम्मी कहेंगे तो ही चावल बनाएंगे, बाकी नहीं तो पोहा ही ज़्यादा बन रहा है, पोहा ही खिला जाएगा। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए नहाने में वगैरह लेट हो जाती हूँ, तो व्लॉग भी लेट स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नहा कर ही व्लॉग स्टार्ट करूँ ये सोचती हूँ, बिगड़ना है तो बहुत गंदा गंदा दिखता है। अभी मेरा स्किन केयर करना बाकी है और काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं, आज लगभग 12 तो बज गई है। टोनर लगा लिया है मैंने मेरे फेस पर और अभी लगा देती हूँ डार्क स्पॉट रिमूवर, क्योंकि अभी थोड़े एक्ने इसके दाग रह गए, क्योंकि मुझे हेल्थ इशू हो गया था थोड़ा सा, इसलिए दैट्स इट। अब एक बार खाना वगैरह बना देती हूँ, फिर बाकी का काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है इसलिए। और मैंने कहा स्किन केयर तो ज़रूरी था, क्योंकि स्किन थोड़ी वो हो गई थी, और हाउ मच ग्लोइंग माई स्किन। चलो खाना बनाते बनाते बोर नहीं करती हूँ, खाना बना देती हूँ, फिर शॉप पर जाऊँगी, तब आपसे मिलूँगी। आज मुझे मूंग का हलवा खाने की इच्छा हो गई थी, तो मैंने इंस्टेंट बनाया है, मुझे भी नहीं आता था, यूट्यूब पर देख कर ही बनाया है। तो ये हलवा बन के तैयार, और ये हम कान्हा जी का भोग रख रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ अच्छा मीठा बनाए तो कान्हा जी को भी परोसे ना। मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉप पर जाने के लिए, और चिकू अपना फ़ोन भूल गए, तो उनको फ़ोन भी दे देती हूँ, और लगे हाथ वो मुझे छोड़ भी देंगे दुकान। खा गई, मैं तो कैमरा चालू करने में रह गई, और गिलेरी तो क्या पता कहाँ गया बुबी। तो आ गए हैं शॉप पर, अभी कुछ एक दो पाँच तीन चार ब्रांड्स की मीटिंग थी वो अटेंड करी, और जो कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आज आपको एक न्यू ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो ब्रांड है जो कि है अरमाफ। अरमाफ के डीओ अपनी शॉप पर अवेलेबल है, अगर किसी को भी परचेस करने हो तो आकर परचेस कर सकते हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं सारे, और सबकी फ्रेगरेंस एक से बढ़कर एक है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है। एक भी फ्रेगरेंस आपको ना पसंद आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। तो आपको अगर ये वाला जो डीओ है वो परचेस करने हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी शॉप करो का, और शॉप करो का मोबाइल नंबर भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। आजकल मेरे बाल कुछ ज़्यादा नहीं उतर रहे हैं, मेरे बाल अभी अभी उतरना बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ गुड हेयर, और अभी मेरे बालों में मुझे करवानी है आज ऑयलिंग। सो आप देख सकते हो बाल कैसे हो गए हैं, और मांग पूरी फैल गई है, इसको क्लीन करना पड़ेगा, और हल्की सी गले में खराश हो गई है, हल्की हल्की वो खराश हम आज, कल रात को भी मैंने नमक गर्म पानी और नमक के गरारे करे थे, और आज सुबह भी करे थे। आज सुबह क्या हुआ, मैंने गर्म पानी के गरारे जैसे करने के लिए मुंह में पानी डाला, मुंह पूरा अंदर से जल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी था। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हेयर स्टाइल्स जो आप साड़ी पे ट्राई कर सकते हो, और सूट पे भी ट्राई कर सकते हो, और जींस पे भी ट्राई कर सकते हो, इस टाइप की बताऊँगी कि आप सबके ऊपर ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले अपने बालों को डीटैंगल कर देना, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले ये ध्यान रखें कि हमारे पूरे बाल डीटैंगल हो, जिसके अंदर एक भी गुच्छा ना हो, और मेरा एक भी बाल जड़ा नहीं है, गुड हेयर का कमाल है। तो हमको सबसे पहले सेंटर पार्टिंग ले लेनी है, सेंटर पार्टिंग ले लेनी है। ये जो हेयर स्टाइल मैं बता रही हूँ वो साड़ी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, और मैंने ये जो बीच में मांग भर रखी है, अगर सेंटर पार्टिंग लेते हैं साड़ी के ऊपर और बीच में मांग बना दे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यही ऐसे इस टाइप से लेकर, और थोड़े से बाल आगे से ऐसे करने हैं, एंड यूँ कर कर फिर थोड़े से बालों को ट्विस्ट करना है, और हल्का सा पफ बनाना है, जिससे बालों के अंदर बाउंस है, और बालों में पिन लगा देनी है। सेम प्रोसेस हमको इधर साइड भी करना है।
आप देख सकते हो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मेरे एक तरफ से बाल है वो ऊँचे हो गए क्योंकि मेरे बालों में आगे आगे बमरी है। यहाँ पे एक तरफ के बाल ऊँचे रहते हैं, एक तरफ के नहीं रहते हैं, तो मैं कभी भी मुझे अगर ऐसे बाल बनाने होते हैं तो मुझे इधर थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग करनी पड़ती है क्योंकि इधर साइड बाल बैठे हुए रहते हैं, इसलिए इनको उठाने के लिए इस टाइप से मैं अंदर ने अंदर बैक कॉम्बिंग करती रहती हूँ। तो करती हूँ तो ये ऐसे हल्का सा पार्ट है वो उठ जाता है। और ये हेयर स्टाइल फिर साड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके नीचे आप पूरे बालों को कर्ल्स भी कर सकते हो या फिर स्ट्रेट भी कर सकते हो। हालांकि मेरे तो क्या है, नेचुरली बाल अभी स्ट्रेट हैं, सो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हेयर स्टाइल, वो भी साड़ी के लिए। अभी मैं दो तीन हेयर स्टाइल साड़ी के लिए बताऊँगी, दो तीन जीन्स के लिए बताऊँगी। और यानी आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप सब पे ट्राई कर सकते हो। हालांकि ये तो अब सूट पे भी अच्छी लगेगी पर्टिकुलरली, अब आपके फेस के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो किस टाइप की हेयर स्टाइल आपके ऊपर सूट होने वाली है। तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ आपको। अब सेम चीज़ हो गई, फिर सेंटर पार्टिंग मैंने कर ली, अब ये वाले बाल उठाकर मैं इधर साइड रुक रही हूँ, इधर साइड पिनअप कर रही हूँ, एंड देन ये वाले बाल उठाकर इधर साइड पिनअप कर रही हूँ। और इन बालों को थोड़ा सा मैं ऐसे वो कर दूंगी, तो ये पार्टिंग कैसे ये भी पता नहीं चलेगा और ऊपर से भी बाल बहुत अच्छे दिखने वाले हैं और ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके नीचे भी सेम स्ट्रेट हेयर्स हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जैसे कि अभी मेरे बालों में लग रहे हैं आपको। ये वाले आप किसी के ऊपर ट्राई कर सकते हो ये वाली। अब मैं ला रही हूँ आपको साइड पार्टिंग पे, तो साइड पार्टिंग भी मैं सेम बता रही हूँ। आप जैसे कि हमने दोनों तरफ से जो ऐसे बाल बनाए थे ना वो बाल नहीं बनाते हुए, अभी मैंने साइड पार्टिंग है वो कर दी है। मैंने जो एक दो हेयर स्टाइल है वो दिखा दी थी, ये थर्ड हेयर स्टाइल है। सो इसको भी हमको लेना है और ऐसे इधर से ईयर तक पार्टिंग करनी है और ये बाल लिए, इसको भी ट्विस्ट करके यहाँ पर पीछे टाई कर देना है और इसको हल्का सा हवा में उठा देना है। तो ये बन गया हमारा पफ। एंड थोड़े बाल अगर इधर से भी लेके हमको करना है तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से अगर स्ट्रेट फ्लैट लुक चाहते हैं तो स्ट्रेट करना है, अगर फ्लैट लुक नहीं चाहिए तो थोड़े से बालों को लेके हल्का सा बाउंस कर देना है। ये हमारी हो गई थर्ड हेयर स्टाइल। बस आपको कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स बता दी हैं वो आप समझ ही गए होंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ अच्छा जो कि आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप मेरे जैसे हेयर स्टाइल नहीं बना पा रहे हो, यानी किसी भी टाइप की हेयर स्टाइल नहीं बना पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन हेयर्स होते हैं तो हेयर स्टाइल्स भी अच्छी नहीं बनती हैं, प्लस लड़कियाँ कॉन्फिडेंट अपने बालों की वजह से ही लगती हैं। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो सच में वो इंसान कॉन्फिडेंट ही होगा, और मेकअप और हेयर्स दोनों चीज़ें अच्छी होनी ही चाहिए क्योंकि इसी से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका भी मानना है तो कमेंट करो। और अब आपके बालों के लिए मैं बता देती हूँ अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है या फिर फ्रिजी हैं या फिर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, ब्रेकेजेस हैं बालों में, ये सारी अगर प्रॉब्लम हैं आपको तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो मेरी। ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक रामबाण इलाज है गुड हेयर। गुड हेयर जो प्रोडक्ट है वो अपने बालों के लिए आपके बालों में से डैंड्रफ को रिमूव करता है, आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, प्लस आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है। और एक ये है एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एक ऑनियन सीरीज़ आती है और इस ऑनियन सीरीज़ के अंदर भी ये ही आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्योर करेगा, जिसमें ये है ना आपके बालों में हेयर लॉस और डैंड्रफ को रिमूव करेगा और साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ये स्पेशली डैंड्रफ के लिए है, ये हेयर ग्रोथ के लिए भी है, प्लस डैंड्रफ को भी रिमूव करेगा और लॉस जो हेयर लॉस है उसको कंट्रोल करेगा। और ये वाला जो गुड हेयर का प्रोडक्ट है वो सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है। ये आपके हेयर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं बताएगा, और साइड इफ़ेक्ट की तो बात ही नहीं आती है, आपके बालों में को हमेशा
हर किसी प्रॉब्लम से बचाएगा। और इसमें शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल तीनों चीज़ें हैं, ये कॉम्बोज अवेलेबल हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कुछ एक प्रोडक्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, पर साथ ही आप पूरा कॉम्बो अगर यूज़ करते हो तो आपके बालों में काफ़ी अच्छा आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसमें अलग 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 सीरम्स भी हैं, एक है बाकुची सीरम और एक है एवोकाडो सीरम। ये भी सेम सल्फेट फ्री हैं, पैराबिन फ्री और मिनरल ऑयल फ्री हैं, तो ये सारे आपके हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। और इन सब के ऊपर ऑफ आया है 40%। अगर आप ये परचेस अभी करते हैं या फिर अभी आप शॉप करने पर आकर विजिट करते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रही हूँ उसके ऊपर आप अगर ये वाला प्रोडक्ट बुक करवाते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। तो देरी ना करते हुए जल्दी से प्रोडक्ट को परचेस करें। अभी मैं हेयर ऑयलिंग करवा रही हूँ, हेयर ऑयलिंग गुड हेयर के ही ऑयल से करवा रही हूँ, तो अभी करवा देती हूँ एक बार हेयर ऑयलिंग और कल फिर हेयर वॉश करूँगी। हेयर ऑयल हमेशा शाम को लगाना है, गुड हेयर वाला, उस पर सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। अब अभी चिकू आए मेरे को शॉपिंग करवाने के लिए लेने के लिए, तो जो अरमाफ के न्यू डियो है उसमें मेरे लिए कुछ अब मैं परचेजिंग करूँगी, तो आगे आ गई हूँ शॉप पर। तो मैं मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए आ गई हूँ, जो कि आज मुझे गोल्डन चांस मिला है, तो आज सब डियो एक एक टेस्ट करूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि अच्छे तो सारे ही हैं पर जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आज परचेस करने वाली हूँ। तो मैंने सारे जो भी फ्रेग्रेंसेज हैं वो चेक कर ली है, उसमें मुझे ये वाला अच्छा लगा है फर्स्ट, ये और एक ये, जो कि मुझे मेरे लिए काफ़ी अच्छे लगे, तो अब ये मेरे लिए मैं परचेस करने वाली हूँ। हालांकि ये तो टेस्टर्स हैं, इनके पैक पे सब निकालेंगे। अच्छी फ्रेग्रेंसेस तो सारी ही हैं पर जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो ये तीन हैं, तो इन तीनों को मैं मेरे कलेक्शन में ऐड करने वाली हूँ। और बस अब ये परचेस करूँगी और फिर मेरी थ्रेडिंग बनानी है, हेयर ऑयलिंग तो हो गई है, आईब्रो बन चुकी है, अब मेरे अपर लिप्स करने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्राज़ीलियन वैक्स है वो गर्म कर दी है, तो उससे फटाफट से कर देती हूँ अपर लिप्स। आईब्रो इज़ डन, अपर लिप्स इज़ डन, तो मुझे वो जो लाल हो चुकी हैं अपर लिप्स होने के बाद, तो ये थोड़ी देर में तो हो जाएगी नॉर्मल, वो तो अजीब अजीब सा दिख रहा होगा मुँह। और अब चलते हैं घर पर, काफ़ी टाइम हो गया है, 6:30 होने आ गई है। मैंने तो परचेजिंग कर ली है मेरी शॉप से, जो कि आज डियो खरीदा है अरमाफ का, सो अब चलते हैं घर पर। घर पे आ गए थे, आके खाना बनाया, खाने में गैस व्हाट क्या बना है, जो सुबह बना था वही सुबह लाल मिर्ची में पोहे बने, अभी हरी मिर्ची में पोहे बने, क्योंकि चिकू को पोहे ही खाने थे वापस से, तो वापस से पोहे बनाए, वो पोहे हरी मिर्ची बनाए। हालांकि मेरे को भी खबत खाने की शर्त पर सुबह ज़्यादा खानी पड़ती, अब शाम को मन भर के खाऊंगी। यहाँ पर चल रही है पार्टी, इसको कहते हैं पोहा पार्टी, और पीछे मिट्टू को भी थोड़ा बहुत खाना होगा दे देंगे, देख क्या रहे मारेगा अभी बाहर, देख रहे कहीं इसके फोटो खींच रहे हैं, देख रहे टेढ़ा होकर देख रहा है। तो अभी हम खा लेते हैं पोहा, जिसमें हमने ऐसे जुगाड़ करके ये सुबह वाला भी पोहा गर्म कर दिया, इसके अंदर ही रख दिया था, अभी चिकू सबको सर्व करेंगे और पोहा खा लेते हैं। मैं देख रही थी मेरा फेवरेट अभी फ़िलहाल सीरियल, और साथ में ही मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड, और जाते जाते आपको एक जो न्यूज़ है वो बता देती हूँ। जो मैंने गुड हेयर पर 40% आपको ऑफ बताया था, आप जल्दी से जल्दी उस ऑफ़र का लुफ्त उठाएं, क्योंकि ये ऑफ़र लिमिटेड पीरियड के लिए ही है, और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो 40% ऑफ आपको ऑफकोर्स मिलेगा। और शॉप करो पर आके विजिट करो, या फिर आपको बुक करवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उस पर भी बुक करवा सकते हो। तो यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय।